हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी सेशन लैब। मैं अमरनाथ जायसवाल। आज मैं सिमेंटिक इन पॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर में लाइव अपडेट्स के बारे में बताऊंगा कि लाइव अपडेट्स एडमिनिस्ट्रेटर कैसे काम करता है और कैसे अपडेट किया जाता है और क्या उसके अपडेट के इंटरवल होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप पॉलिसी में आ जाते हैं। यहाँ पे पॉलिसी में आप लाइव अपडेट्स, यहाँ पे लाइव अपडेट्स हैं। यस, ये अपडेट एक बाय डिफ़ॉल्ट लाइव अपडेट्स पॉलिसी सेटिंग बना हुआ है जो कि सभी ग्रुप पे अप्लाई है। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है कि लाइव अपडेट्स कहाँ से अपडेट हो। और इसके दो ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्ट सिमेंटेक की ऑफिशियल वेबसाइट से पैचेज और डिफिनीशन अपडेट करें, या तो सेकंड ऑप्शन है कि आप एक सेपरेट लाइव अपडेट एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल कर रखे हो तो वो आपको ये वहाँ से डाउनलोड डिफिनीशन करता रहे। तो कॉन्सेप्ट दोनों ठीक है, दोनों सेम है। लाइव एडमिनिस्ट्रेटर भी सिमेंटेक की ऑफिशियल वेबसाइट से डिफिनेशंस को अपडेट करेगा और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इस केस में क्या है कि वो डायरेक्ट सिमेंटेक की लाइव अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट से वो डाउनलोड करेगा। तो इसको आइए बताते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले इस पॉलिसी को एडिट करते हैं। यूज्ड में सभी पे अप्लीकेबल है। आप यहाँ पर आते हैं सर्वर सेटिंग, यूज द डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर। ये ऑलरेडी चेक है। इसका मतलब यह है कि इस मैनेजमेंट सर्वर का जो डिफ़ॉल्ट लाइव अपडेट सर्वर है उससे मैनेजमेंट सर्वर है, उसी से ये सभी क्लाइंट्स अपडेट होंगे। तो ये ठीक है। शेड्यूल क्या होनी चाहिए अपडेट के? इनेबल 4 आवर ऑलरेडी सेट है, ये भी सही है। एडवांस अलाउ यूजर टू मैनुअली लॉन्च लाइव अपडेट कर सकता है। इसी तरह मैक में भी है, शेड्यूल कर सकते हैं एडवांस सेटिंग, सर्वर सेटिंग लिनक्स में, इस तरह के इन सब में भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। या आप एक सेपरेट पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लाइव अपडेट और सर्वर सेटिंग यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसको अनचेक कर देते हैं। जी, यूज़ द डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर, शेड्यूल 4 आवर है, ठीक है, ओके। एडवांस सेटिंग, तो इस तरह आप इस तरह के पॉलिसीज में लगा सकते हैं। ओके करते हैं, असाइन कर देते हैं आईटीएस ग्रुप पे, असाइन, यस। और अब कंडीशन आती है कि कंटेंट क्या क्या हो। लाइव अपडेट कंटेंट, एडिट विंडोज के लिए क्या क्या अपडेट्स आपको लाइव अपडेट से ये इसको अपडेट करेगा। वायरस एंड स्पायरवेयर डिफिनेशन, सोनर रिस्ट्रिक्ट सिग्नेचर, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिग्नेचर, सबमिशन कंट्रोल सिग्नेचर, रिप्यूटेशन सेटिंग्स, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस, नॉर्टन रिस्पांस ट्रांसपोर्ट लाइब्रेरी एंड कन्फिग्रेशन, एडवांस मशीन लर्निंग, WSS ट्रैफिक रिडायरेक्शन, एंड पॉइंट थ्रेड डिफेंस फॉर एडिट। और इस तरह के आप ऑलमोस्ट सभी जरूरत की होती है तो आप सबको सेलेक्ट करके आप को अपडेट कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो इस तरह के लाइव अपडेट की सेटिंग हो जाएगी और इस तरह के अपडेट करेगा। और एक दूसरा तरीका है, जैसे कि आप जब ये लाइव अपडेट एडमिनिस्ट्रेटर अपडेट होता है तो ये अभी जैसे कि ये देख रहा लेटेस्ट ऑन मैनेजर है 7/12/2019 R2, तो ये लेटेस्ट डिफिनेशन में है। और इसके बारे में बताऊँगा कि एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लाइव एडमिनिस्ट्रेटर की क्या खुद की पॉलिसी क्या होती है। ये तो मैं क्लाइंट के लिए मैंने बताया कि क्लाइंट क्या क्या अपडेट डाउनलोड करेगा आपके मैनेजमेंट सर्वर से, लेकिन मैनेजमेंट सर्वर कैसे अपडेट करेगा उसके बारे में बताता हूँ। तो इस तरह आपने देखा कि लाइव अपडेट
की पॉलिसी कैसे लगा सकते हैं ग्रुप पे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेमोरी एक्सप्लॉइट मिटिगेशन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द आईटी सेशन डे।